मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु. बिम्बिसार BIMBISAR बिम्बिसार एंड अजातशत्रु AJATASAWU. क्योंकि नाम है इसलिए स्पेलिंग बता देते. Who used all possible means? Who used all possible means to conquer other janpats? CONQUER. Conquer का मतलब होता है जीतना. Conquer other janpats. अब समझ गए, जनपद का मतलब गांव था, गांव को लोग जीतता था कौन? बिम्बिसार और अजात शत्रु. फुल स्टॉप. महापद्म आगे नंद. महापद्म नंद वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर. महापद्म नंद वॉज द अनदर इम्पोर्टेंट रूलर. He extended मतलब फैलाओ. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Northwest part of the subcontinent. जब हम northwest की बात करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब आ जाता है. ठीक है, आगे लिखिए. राजगीर, इसी राजगीर को राजगृह भी कहते हैं, याद रखिएगा. इसी राजगीर का नाम राजगृह भी. ठीक है, राजगीर. ठीक है, प्रेजेंट डे इन बिहार. राजगीर प्रेजेंट डे इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर. Was the capital of Magadha for several years. So we must to know. We talk about Magadha Empire. Their ruler's name was Ajatasatru, Bimbisar, Mahapadmanand. It means Nand Vansh. Last का घनानंद. घनानंद के बाद ही शासन सभ्यता पद्धति उसकी चेंज हुई. तो घनानंद तक जो उसका राजधानी था, जो क्वेश्चन आएंगे इसमें हमको राजगीर ही ठीक. वेरी क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट. लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र. अगला लाइन. लेटर इसके बाद, अब राजगीर के बाद जो हमारी राजधानी बनी तो पाटलिपुत्र बनी. लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे, पोस्ट में डाले प्रेजेंट डे पटना, इसे हम पटना के नाम से जानते हैं. अगला लाइन लिखे नीचे. मोर देन 23 इयर्स अगो. अब हम फिर मगध से बाहर निकल रहे हैं. मोर देन 23 इयर्स अगो, यानी आज से तकरीबन 2300 वर्ष पहले. ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर. ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप. हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप. Wanted to become a world conqueror. पूरे विश्व को जीतना चाहता था. World conqueror. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर का जन्म स्थान कहाँ था? Where was सिकंदर born? हमें याद रखना है मैकेडोनिया. MACEDONIA मैकेडोनिया, है ना? ऐसा क्वेश्चन है. सिकंदर के बारे में बहुत सारी कहानियां है, सिकंदर, पौरस, व्यास, शत्रुज. लेकिन जो
प्रश्न आस्किंग हो सकता है, क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है, तो सिकंदर के बारे में अगर प्रश्न आएगा तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, सिकंदर का जन्म स्थान कहाँ था, तो मैकेडोनिया में था जो कि यूरोप में। सिकंदर के बारे में और सारी कहानी जो हमें समझना चाहिए। जब सिकंदर भारत आया तो भारत में वो व्यास नदी पे हुआ, व्यास नदी पे उसकी लड़ाई हुई थी सिकंदर और पौरस, ठीक है। जब दोनों सेना लड़ाई लड़ी तो पौरस की सेना हार गई। सिकंदर ने जब पौरस से पूछा जो तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पौरस ने कहा वही सलूक करो जो एक राजा के साथ किया जाता है। इस जवाब से सिकंदर बहुत खुश हुआ और फिर दोनों में मैत्री हुई। अब अगला कंडीशन ये था कि उसको घनानंद जो मगध का राजा था उसके ऊपर अटैक करना, और उसी टाइम की सारी कहानी है, चंद्रगुप्त का भी, चाणक्य का भी, सबका स्टोरी सिमिलर ही। बहुत सारे जगह ये भी दिखाया गया जो चंद्रगुप्त के चाणक्य के कारण ही उसकी उसे देश छोड़ना पड़ा, इस तरह का उन्होंने षड्यंत्र रचा, ये सब रचा। हिस्ट्री में अलग अलग तरह की बातें दिखा गया है, लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा, जो सिकंदर की सेना मगध की सेना इतनी बड़ी थी जो उसकी हिम्मत नहीं किया, हर्ट ने अलाउ किया जो मगध पे अटैक कर, इत्तेफाकन उसकी तबीयत भी खराब हो गई और वो सेना व्यास नदी से ही वापस चली, व्यास नदी पार नहीं किया। अगला क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है, जो सिकंदर की सेना भारत को जीतती हुई अंतिम पड़ाव, अंतिम जगह कहाँ पहुंची थी, तो अंतिम जगह था व्यास नदी जो आज पंजाब में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो लास्ट भारत में कहाँ तक पहुंची थी, क्योंकि जो एनडीए के प्रश्न होते हैं वो थोड़ा लंबे चौड़े होते हैं, है ना, तो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ प्रश्न लिखता है, ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग क्या है उसका मीनिंग क्या है, ऐसे प्रश्न सॉरी नहीं आते हैं। तो सेकेंड चीज हमें याद रखना है सिकंदर के बारे में, उसकी सेना लास्ट व्यास नदी तक आई थी, व्यास नदी के बाद उसकी पलटन सेना वापस, ठीक है। उसके बाद कहानी में एक और चीज है, बहुत बड़ा ट्विस्टिंग है, जैसे कि बुक में भी लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंक्लूड द वर्ल्ड बट डिड कंक्लूड द पार्ट ऑफ द इजिप्ट एंड द वेस्ट एशिया, पूरी दुनिया को तो नहीं जीता लेकिन यूरोप को और वेस्ट एशिया को जीत चुका था, है ना। एंड कैम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास, अब भारत में ब्यास नदी तक पहुंच गया था, यानी लास्ट कहां रुका, ब्यास नदी पर रुका, जहां से उसके सेना ने बोला जब हमसे लड़ाई होने वाले नहीं है, और उसका भी तबीयत खराब हो गई। इससे ज्यादा सिकंदर के बारे में आपके पास प्रश्न आएगा, स्पेशली सिकंदर, फिर सिकंदर का जो सेल्यूकस था, मेगस्थनीज था, ये अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, टिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द विच VAJJIS विच जिसे कहते हैं, दिस इज एन अकाउंट ऑफ विच VAJJIS फ्रॉम द दिघा निकाय, फ्रॉम द दिघा निकाय, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक, ठीक है, which contains some of the speech of Buddha, ये भी उसी के समकालीन थे, these were written down about 23 years ago, आप देखिए इसमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं हमारे पास, पहला प्रश्न आएगा जो विज शब्द कहां से ऑरिजिनेट हुआ है, ये हुआ है दिघा निकाय, दिघा निकाय का संबंध किससे है, बुद्ध के बुक से, यानी बुद्ध ने जितना भी स्पीच दिया, भाषण दिया, लोगों को समझाया, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था दिघा निकाय, है ना। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो बुद्ध का स्पीच किस पुस्तक में संग्रह किया गया, तो दिघा निकाय में संग्रह किया गया है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो दिघा निकाय लगभग कितने साल पहले लिखी गई थी,
तब याद रखना है 2300 वर्ष पहले, क्योंकि बुद्ध का संबंध, चाणक्य का संबंध, चंद्रगुप्त का संबंध, सबका संबंध सिकंदर के ड्यूरेशन में, ये हमें समझना पड़ेगा। तो दिग्धा निकाय हम याद रखें, ठीक। नेक्स्ट इतना इसमें वेरियस दिए हुए हैं। अच्छा, एक शब्द है मिनाजे सिराज, बिहार का जो नाम है, बिहार शब्द का नाम उसने ही दिया। नेक्स्ट लिखे, ओवर द एज ऑफ 30 इयर्स, ओवर द एज ऑफ 30 इयर्स, ओवर द एज ऑफ 30 इयर्स वेयर रिकॉग्नाइज, वेयर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन्स। अब देखिए इसका संबंध किसके साथ है, मगध एम्पायर के साथ, या विच के एम्पायर के साथ, मगध नहीं सॉरी विच के एम्पायर के साथ। हमें मालूम होना चाहिए जो विच जो है, विच का मतलब हुआ ये वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये एरिया। इसे दुनिया का लगभग पहला प्रजातंत्र माना जाता है, जिसमें वोट देने का अधिकार 30 वर्ष के बाद होता था। ये क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है, यानी हमसे पूछा जा सकता है, उसमें पूछेगा आपसे जो विच जो दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है, क्योंकि उतनी प्रमाणिकता मिली नहीं है, इसमें सिटीजन राइट यानी वोटिंग राइट का एज क्या था। हमें याद रखना पड़ेगा 30 वर्ष, क्योंकि अभी जो एज है वो हो गया 18 वर्ष, अभी का एज 18 वर्ष का है। तो विच के टाइम में हमारा उम्र जो होता था सिटीजन का वोट देने का, ये होता था 30 वर्ष। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है जो किस काल में, पीरियड ऑफ द टाइम, 30 वर्ष से ऊपर लोगों को वोट देने का अधिकार, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। हमने तो सीधा स्टेट पढ़ा, अब क्वेश्चन हमसे घुमा के पूछ रहा है, तो वहाँ तो ऐसे ही राउंड अप क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा जो किसके काल में, अब किसके काल का मतलब वो संपूर्ण विश्व को ले लिया, वोट गिराने का अधिकार 30 वर्ष से ज्यादा था, तो वी अंडरस्टूड जो काल था विच का, है ना। चलते नेक्स्ट, एक लाइन और समझ लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देयर वॉज एन असेंबली दैट अराउंड 2500 ईयर्स अगो द पीपुल ऑफ एथेंस सेट अप द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कॉल्ड डेमोक्रेसी विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। बहुत अच्छा लाइन, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में विच को पहला गणतंत्र मानते हैं, उसी तरह एथेंस में भी 2500 वर्ष पहले वहां भी कहा जाता था यहाँ पहला गणतंत्र था। गणतंत्र समझते हैं ना क्या होता है, मतलब जो चल रहा है। नहीं नहीं, प्रजातंत्र और गणतंत्र दोनों दो चीज होता है, एक चीज नहीं होता, इस चीज को समझिए। हमें बहुत बड़ी गलत फहमी है जो प्रजातंत्र को गणतंत्र समझ लेते हैं, दोनों दो चीज है, एक चीज नहीं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते, हम चले जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 1789 में जब फ्रांस को आज़ादी मिली, लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया, जो राजा का एक सिंबल होता था ब्रिस्टल जेल, लोगों ब्रिस्टल जेल में गए, तोड़फोड़ किया, जेल को तहस नहस कर दिया। तो 1789 में फ्रांस में आया डेमोक्रेसी। अब ये जो डेमोक्रेसी आया फ्रांस के अंदर में, तो डेमोक्रेसी बस 80% लोगों को ही खुश कर सकता है, 70% को ही खुश कर सकता है, 100% को खुश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए जो फ्रांस का जो जनता था, ग्रुप था, वो तीन भाग में डिवाइड था, एक चर्च था, दूसरा नोबेल था, और तीसरा पीजेंट जिसे बर्जुआ वर्ग कहते हैं। अब ये जो फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, ये आई बर्जुआ वर्ग पीजेंट के लिए, ना कि नोबेल के लिए, ना कि चर्च के लिए। नोबेल और चर्च क्या किए, इसका विरोध किए, जिसका जीता जागता उदाहरण नेपोलियन है। इसी तरह किसी भी देश में जब डेमोक्रेसी आती है तो 70-80% लोग ही उसके विचारधारा से जुड़ते हैं, 100% लोग नहीं जुड़ते। अब इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में 1947 में स्वतंत्र हुआ यानी डेमोक्रेसी आई। 1947 से पहले भारत 562 रियासतों में विभक्त था,
सारे राजा के रियासत चले गए। अब मुझे बताइए, राजा कभी चाहेंगे डेमोक्रेसी? वो 20% वाले जो लोग हैं वो जमींदार हैं, चीफटेंस हैं, राजा हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब जब देश आजाद हुआ है तो दो पक्ष हो गया, एक पक्ष जो डेमोक्रेसी का विरोध कर रहा है, एक पक्ष जो डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहा है। अब अगला प्रश्न होता है, अब कौन सा प्लेटफॉर्म लाया जाए जो दोनों पक्ष को एक जगह रखा जाए। तो जब डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को कानूनी जमा, यानी कानूनी, जब कानून अप्लाई करते हैं, कानूनी रूप में उसको बाध्य करते हैं डेमोक्रेसी को, तो उसको गणतंत्र कहते हैं। यानी जब डेमोक्रेसी को कानून का कवर बनाया जाता है, कानून की किताब पहनाया जाता है, तो जब कानून का किताब पहनाया गया भारतीय संविधान में, उसमें है कि नहीं लॉ ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार। जब समानता का अधिकार है तो गरीब के लिए भी वही है, अमीर के लिए भी वही है, राजा के लिए भी वही है, रंग के लिए भी। इसको गणतंत्र कहते हैं। यानी जब डेमोक्रेसी कोई कानूनी रूप ले लेता है, संवैधानिक रूप ले लेता है, उसको रिपब्लिक या गणतंत्र कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में, जो डेमोक्रेसी और गणतंत्र में अंतर नहीं समझते। पासपोर्ट पे प्रजातंत्र भारत नहीं लिखा होता है, भारत गणराज्य लिखा होता है। पासपोर्ट पे इंडियन रिपब्लिक लिखा होता है, भारतीय गणराज्य लिखा होता है, ना कि भारत प्रजातंत्र लिखा होता है। सारे देश में ऐसी एक रिपब्लिक लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी नहीं लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी इज द थॉट एंड रिपब्लिक कवर द डेमोक्रेसी विद इन द लॉ एंड ऑर्डर। दोनों दो चीज हुआ कि नहीं, एक चीज थोड़ी। तो जिस तरह से हम बीस के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से अनदर एथेंस भी था, है ना। एथेंस में भी माना जाता है, यहाँ पर भी पहली डेमोक्रेटिक कंट्री यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम चलती थी। अब दोनों में कन्फ्यूजन ये है, इतिहासकार में जो पहले कौन हुआ था, क्योंकि वो बता रहा है मैं 2400 साल पुराना हूँ, ये बता रहा है 2500 साल पुराना। और एंशियंट हिस्ट्री में 100 वर्ष 200 वर्ष कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सब साक्ष्य पर प्रमाणित है। अगला क्वेश्चन जो हमसे आस्किंग हो सकता है, ये हो सकता है, भारत में विच प्रथम गणराज्य के रूप में माना जाता है, ऐसा ही स्थिति विश्व में और कहां थी? क्वेश्चन आ सकता है ना आपके पास, भारत में विश्व को प्रथम गणराज्य के रूप में माना जाता है, इतिहासकारों ने मान्यता दी है, सेम सिचुएशन, सेम गणराज्य का सिचुएशन दुनिया में और कहां? दुनिया में कहां था? एथेंस। क्लियर हो गया, समझ में आ गई लॉजिक, चलते हैं आगे। अब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इतना नहीं पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री में एक और चीज है, मैं आपको बताऊं, पहले जमाने में दास प्रथा हुआ करती थी। दास प्रथा लाने के पीछे जो कारण था, मूल कारण, उसके पीछे के कारण को समझते हैं। देखिए, जब हम ऐतिहासिक बुक को पढ़ते हैं, इतिहास में हम देखते हैं क्या, जो राजा था उसी का बेटा उसका हत्या करके राजा बन गया, सौर कुटुंब कबीला। अब एंशियंट से शुरू हो जाए, अब अशोक को ले लें, अशोक के बारे में कहा जाता है जो उन्होंने 100 भाइयों का खून किया। सारा जो मोनार्की सिस्टम हम देखते हैं, तो देखते हैं जो भाई भतीजावाद का चक्कर है, सब उसके दादा को या चाचा को मार मार के राजा बन गया। ये जो कंडीशन हुआ, इसी ने दास प्रथा को जन्म दिया। राजा लोग क्या करते थे, ये मिडाइवल हिस्ट्री में इल्तुतमिश ने अपने बुक में लिखा है। इल्तुतमिश थे जो, जिनके लड़की का नाम था रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक भारत का राजा हुए थे। और ये भी क्वेश्चन आएगा, ये आगे पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, इसलिए इसको रहने थे। तो दास प्रथा के आने का सबसे बड़ा कारण था, जो उनके अपने सगे संबंधियों के द्वारा जो उनकी हत्याएं की जाती थी और खत्म किया जाता था, यही दास प्रथा लाने का कारण था। राजा लोग क्या करते थे, जो बचपन वाले लड़के होते थे, 10 वर्ष 12 वर्ष 6 वर्ष इस उम्र के जो बच्चे होते थे, उनको खरीद लेते थे। और खरीदने के बाद उनको रहने खाने पीने एजुकेशन वगैरह पूरा व्यवस्था करते थे, और उनको सेना बनाते थे, ट्रेन करते थे। अब बचपन से ही उनके माइंडसेट में डाल दिया जाता था, जो तुमको राजा के प्रति वफादार बनना है, जैसे कि बाहुबली में कटप्पा है, है ना। अब वो इतने वफादार होते थे, खुद मर जाए लेकिन राजा को कुछ नहीं हो सकता। एक दो एक्सपेरिमेंट हुआ, सक्सेस हुआ, और यहाँ से दास प्रथा शुरू हुआ।
राजा इस तरह के काम कर ले रहे, एक सेना के लिए करते थे और दूसरा कृषक मजदूर के लिए करते थे। जब कृषक मजदूर के लिए हम बात करते हैं तो ये आ जाती है अंग्रेज के लिए, तो अंग्रेज के पास ऑलरेडी सेना था, तो मजदूरी कराने के लिए दास को यानी लोगों को खरीद के इस देश से उस देश ले जाया करता था, जिसे इंग्लिश में हम एक्सडेंचर भी कहते हैं ना, एक्सडेंचर एक वर्ड है वो दास प्रथा के लिए, समझ गए। अब चलते हैं आगे विंध्याज में आ जाते हैं। एक मिन्हाज था क्रॉनिकल यानी इतिहासकार, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस लाइन को लिखें, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड, ये इतनी बारीकी चीज है हिस्ट्री और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स, जिसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। अब बहुत गहराई से जब हम पढ़ते हैं तब जाके हमको एक्चुअल चीज पता चलता है, आप बुक को सपाटा पढ़ते जाएं आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, और किसी भी कंपटीशन का बेस सोशल साइंस ही, साइंस बेस नहीं होता, साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे साइंस और मैथ के प्रति पहले से जागरूक रहते हैं तो उस चीज को सॉल्व कर पाते हैं। उनके जो डिमेरिट पॉइंट यानी माइनस पॉइंट होता है इंग्लिश और सोशल स्टडीज, इसको सही से नहीं समझते हैं और फिर बाद में दुखी हो जाते हैं। लिखे लाइन, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century, 13th century का मतलब 13वीं शताब्दी, बाय मिन्हाजे सिराज, MINHAJ मिन्हाजे सिराज, एक क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब होता है इतिहास लिखने वाला, इतिहास भी कहते हैं इतिहास लिखने वाला, हु रोट इन पर्शियन, हु रोट इन पर्शियन, ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन, द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ठीक है फुल स्टॉप। ही यूज्ड ए द टर्म, आगे लिखे ही यूज्ड द टर्म इन ए पोलिटिकल सेंस, ही यूज्ड द टर्म इन ए पोलिटिकल सेंस, ठीक है, फॉर द लैंड्स दैट वेर ए पार्ट ऑफ, फॉर द लैंड्स दैट वेर ए पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, डोमिनेशन का मतलब होता है अधिकार या किसी को डोमिनेट करना, यानी प्रभाव क्षेत्र में रखना, डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र। तो मिन्हाजे सिराज साहब कहते हैं जो दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो इसका एरिया जो था वो पंजाब हरियाणा और गंगा जमुना का जो पार्ट था है ना, इस पार्ट को दिल्ली सल्तनत माना जाता है, क्योंकि बुक के अंदर में जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली में भले ही मुगलों का या गुलाम वंश का शासन था लेकिन दक्षिण भारत में किसी और का शासन था, तो सुदूर देहात में किसी और का शासन था, जिसकी चर्चाएं भारतीय इतिहास में उतना नहीं किया गया है, ठीक है। तो मिन्हाजे सिराज जो कि इतिहासकार थे उनका कहना था जब दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है तो पंजाब हरियाणा दिल्ली गंगा जमुना का जो मैदान है दुआब मैदान, इस एरिया में दिल्ली सल्तनत को माना जाता था, ठीक है। अगला लाइन लिखा, दीज एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म, दीज एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द, shifted with the extent of the सल्तनत, यानी इस एरिया के बाद भी, दिस एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म यानी इस एरिया का जो टर्म है shifted with an extent of the सल्तनत, सल्तनत का मतलब होता है वही राज, राज दरबार जैसे कहते सल्तनत यानी राज समझ लिया, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया,
बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड इन साउथ इंडिया, यानी दिल्ली सल्तनत का जो भाग था वो साउथ इंडिया नहीं था। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो किसी भी मुगल शासक ने साउथ में राज नहीं किया। अंग्रेज के टाइम में टीपू सुल्तान जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली से जो शासन व्यवस्था चलती थी, दिल्ली से उसका कानून साउथ में नहीं जाता था। साउथ में अलग अलग राजा थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था वहां का लैंग्वेज, क्योंकि वहां के लोगों को कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते। जब तक कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तब तक आपसे होने वाला नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा जो दिल्ली सल्तनत में हिंदुस्तान का कौन सा पार्ट उसका भाग नहीं हुआ करता था, तो वो था साउथ इंडिया यानी सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं था, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। सेकेंड हम चलते हैं आगे, लिखिए इसी में लिखिए, बाय कॉन्ट्रास्ट का मतलब है इसके विरोध। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, इन द अर्ली 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी के शुरुआत में, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द फौना, FAUNA, फौना, एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। Inhabitants of the subcontinent. ज्योग्राफी जब लिखता था, यानी बाबर जो किताब लिखता था, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द समझ गए। ये जो आज हम हिंदुस्तान समझ रहे हैं, ये नामकरण उसी का क्या हुआ, बाबर का ही क्या हुआ। और एक लाइन और लिख लें उसके नीचे, द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो। द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कवि था, यूज्ड द वर्ड हिंद। अब हमारे पास प्रश्न आ सकता है, जो हिंद शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, और 400 कवि का नाम दे देगा, तो हमको अमीर खुसरो को टिक करना है। यानी अमीर खुसरो नहीं हिंद शब्द कहा था, हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो बाबर को टिक करना है ना। एक लाइन और लिख रहे हैं, फिर क्लास को ओपन करते हैं। व्हाइल द आइडिया ऑफ द ज्योग्राफिकल, व्हाइल द आइडिया ऑफ द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल इंटायरली लाइक इंडिया डिड एग्जिट द टर्म, लाइक इंडिया डिड एग्जिट द टर्म हिंदुस्तान, डिड नॉट कैरी द पोलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पोलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वॉज एसोसिएट विद इट टूडे। देखिए इसका मतलब यह है, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान का मतलब भारत नहीं है। चलिए भारत तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, या हिंदू की बात करते हैं, या हिंद की बात करते हैं, जैसे अमीर खुसरो ने हिंद बोला, बाबर ने हिंदुस्तान बोला, इसका मतलब हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग, जो अफगानिस्तान से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लोग हैं वो सारा हिंदू ही हैं, इसीलिए उसको हिंदुस्तान कहा गया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी लोग को जब सिविलाइजेशन के हिसाब से हम देखेंगे, तो सारा हिंदुस्तान ही है, सारे हिंदू ही है।
क्योंकि अमीर खुसरो ने जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे उसको हिंद या हिंदू हिंदू के नाम से बुलाता था, समझ गए। अभी इसका पॉलिटिकल मीनिंग अलग अलग निकाला जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक जो कि हमारा साक्ष्य है उसमें स्पष्ट तौर पर इन्होंने इस चीज को लिखा है, स्पष्ट लिखा है हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल, हिंदुस्तान का मतलब पॉलिटिकल ही नहीं है, एंड द नेशनल राष्ट्रीयता नहीं है, मीनिंग विच वी एसोसिएट विद टुडे, यानी आज जो हम समझ रहे हैं हिंदुस्तान का मतलब, हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है, हिंदुस्तान का मतलब है अफगानिस्तान से लेकर पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि वो लोग जो राजा महाराजा था वो उधर से ही आया था, और वो पूरे एरिया इंडस सिविलाइजेशन को हिंदुस्तान कहते थे। ये भारत का दुर्भाग्य है जिसका बंटवारा हो गया, और आज हिंदुस्तान का स्पेशली मतलब लोग भारत को समझ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब पूरा इंडस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग, जो भी इंडस सिविलाइजेशन में हो, चाहे जिस जात धर्म कौम के हो, वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, और यही एनसीईआरटी भी कहती है, और यही जो है उसने भी कहा है, क्या नाम है आपका, अमीर खुसरो ने भी यही बात कहा है, अब बाबर भी बार बार हिंदुस्तान इसीलिए कहा करता, ठीक है। तो क्लास को एंड करें यहाँ, इसके आगे कल बता देंगे।